नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। आज है 17 जुलाई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पटना मेट्रो के काम में आएगी तेजी, दोनों कॉरिडोर 32.50 किलोमीटर होंगे लंबे। बिहार की पुलिस थाने, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज सहित सभी सरकारी भवनों पर फहरेगा तिरंगा झंडा। में मानसून हुआ सक्रिय, अब इन इलाकों में होगी बारिश। मशरूम उत्पादन के मामले में बिहार बना नंबर वन। बिहार के प्रशासनिक महकमे में फेरबदल। सुर्खियों के बाद अब बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के प्रशासनिक महकमे में फेरबदल। बिहार के प्रशासनिक महकमे में बीते दिन फेरबदल की गई, जिसके तहत सरकार ने 3 एसडीओ का तबादला कर दिया। इसके लिए बीते दिन ही सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी कर तबादले का आदेश दिया गया। आपको बता दें कि ट्रांसफर हुए एसडीओ में 2 नालंदा के और 1 पटना के हैं। इसके तहत पटना में नगर दंडाधिकारी सुधीर कुमार को नालंदा के हिलसा का नया एसडीओ बनाया गया है, तो वहीं नालंदा के उपेंद्र कुमार पाल को रोहतास के विक्रमगंज के नए एसडीओ रूप में पदभार मिला है। साथ ही साथ नालंदा के ही हिलसा में एसडीओ रहे राधाकांत को पटना नया एसडीओ बना दिया गया है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे शिवपूजन सहाय के बारे में। बिहार के शाहबाद बक्सर में उनवास गांव में 9 अगस्त 1893 को आचार्य शिवपूजन सहाय का जन्म हुआ था। वह हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, संपादक और पत्रकार थे। उन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में साल 1960 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 1924 में लखनऊ में प्रेमचंद के साथ माधुरी का संपादन किया, तो वहीं 1939 से 1949 तक राजेंद्र कॉलेज छपरा में हिंदी के प्राध्यापक रहे। वे पटना में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के निदेशक भी रहे। इनके लिखे हुए प्रारंभिक लेख लक्ष्मी, मनोरंजन तथा पाटलिपुत्र आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे। आज इस समय तक यात्री नहीं कटा सकेंगे रेल टिकट। अगर आप भी आज दिन में रेल के जरिए यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको निराश भी होना पड़ सकता है, क्योंकि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों समेत कई राज्यों में दिन में टिकट काटने से संबंधित सभी काम बंद रहेंगे। दरअसल पूर्व रेलवे की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बीते रात यानी कि शनिवार और रविवार के बीच की रात करीब 12:30 बजे से लेकर आज दोपहर 3:30 बजे तक PRS डाटा सेंटर कोलकाता का सिस्टम बंद रहे। इस दौरान वहां मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन से जुड़े काम होने हैं, इस कारण सर्विस बंद रहेगी। तो इससे बिहार, झारखंड समेत यूपी के कुछ इलाकों व कई राज्यों के लिए टिकट नहीं मिलेंगे। इतना ही नहीं, रिजर्व टिकट के साथ ही बुकिंग काउंटर से जनरल टिकट भी नहीं मिलेंगे, तो वहीं पार्सल से जुड़े काम भी इस दौरान प्रभावित रहेंगे। पटना मेट्रो के काम में आएगी तेजी, दोनों कॉरिडोर 32.50 किलोमीटर होंगे लंबे। पटना मेट्रो का निर्माण कर रही एजेंसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC के MD विकास कुमार ने पटना का दौरा किया, जहां उन्होंने पटना मेट्रो रेल परियोजना के कामों की समीक्षा की। बता दें कि अब पटना मेट्रो के काम में तेजी आने की उम्मीद है। MD विकास कुमार ने पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के सहनगर विकास और आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर से भी मिलकर पटना मेट्रो निर्माण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। खासकर जायका फंड टाइप, निजी भूमि का अधिग्रहण एवं अन्य फंड से जुड़े मामलों पर विशेष रूप से चर्चा की गई। आपको बता दें कि पटना मेट्रो दोनों कॉरिडोर की कुल लंबाई 32.50 किलोमीटर और कुल 26 स्टेशन होंगे। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए रेलवे ने की खास पहल। बिहार में कोसी क्षेत्र में खास करके युवाओं को रोजगार देने के लिए रेलवे की तरफ से खास पहल की जा रही है, जिसका फायदा बेरोजगार युवाओं को तो मिलेगा ही, साथ ही साथ यात्रियों को भी मिलेगा। जानकारी के अनुसार रेलवे कोसी क्षेत्र के सहरसा, सिमरी, बख्तियारपुर, मधेपुरा, सुपौल, झंझारपुर, रोसड़ा, लहेरिया सराय, बनमनखी, पूर्णिया, कोट, मुरलीगंज समेत 28 रेलवे स्टेशनों पर PRS एवं UPS टिकट काटने के लिए यात्री सुविधा केंद्र खोलने जा रही है, जिसके लिए रेलवे ने काम शुरू कर दिया है। इसके तहत इच्छुक व्यक्ति 29 जुलाई तक रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। चयन पहले आओ पहले पाओ के तहत निर्धारित शुल्क लेने के साथ ही होगा। चयनित अभ्यर्थियों को संबंधित स्टेशनों के बाहर यात्री सुविधा केंद्र खोलकर रेलवे का अनारक्षित और आरक्षित टिकट काटना होगा। फिलहाल इसके लिए 3 साल का लाइसेंस मिलेगा, जिसे बाद में काम को देखते हुए बढ़ाया भी जा सकता है।
सर्टिफिकेशन इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड मुंबई ने इंजीनियर के 87 रिक्त पदों पर निकाली बहाली। सर्टिफिकेशन इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड मुंबई ने इंजीनियर और डेप्यूटी मैनेजर के कुल मिलाकर 87 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को संबंधित इंजीनियरिंग विषय या फिर संकाय में 50% अंकों के साथ बैचलर डिग्री या फिर डिप्लोमा पास होना जरूरी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों से जुड़ी हुई समस्त जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 जुलाई 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.ceil.co.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। बिहार के मोतिहारी से 8 लाख के जाली नोट बरामद। बीते दिन मोतिहारी जिले में बड़े पैमाने पर जाली नोट सहित तस्कर धराए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक मोतिहारी के एसपी के द्वारा गठित एसआईटी की टीम ने यह कार्रवाई की है। इस क्रम में 4 तस्करों को पकड़ने में सफलता मिली है, जिनके पास से 8 लाख रूपये के जाली नोट, भारतीय जाली नोट छापने की मशीन, कागज व हथियार बरामद हुए हैं। इतने बड़े पैमाने पर जाली नोट मिलने से आसपास हड़कंप मच गया, तो वहीं गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ में कई राज की बात भी सामने आई है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि जाली नोट की छपाई का काम पिपरा थाना क्षेत्र के ओवर ब्रिज के नीचे एक साइबर कैफे में किया जाता है, जिसका मालिक भी वो तस्कर ही है। तस्करों ने बताया कि 2 लाख असली नोट के बदले 5 लाख जाली नोट दिया जाता था। बिहार के रोहतास फोर्ट में मिलेगा आपको बहुत कुछ देखने को खास। कैमूर पहाड़ी पर स्थित ऐतिहासिक रोहतास गढ़ किला को भारत के साथ साथ बिहार का भी सबसे प्राचीन और रहस्यमय किला समझा जाता है। कहा जाता है कि इस किले का निर्माण युद्ध के दौरान छिपने के लिए किया गया था, तो वहीं उस समय इस फोर्ट में छिपने के लिए कई रहस्यमयी कमरे और भवन का निर्माण भी कराया गया, जहां जाने से आज कोई भी डरता है। आदिवासी इस किले को अपना शौर्य प्रतीक भी मानते हैं। बाद में यह किला शेरशाह के अधीन हुआ, तो वहीं शेरशाह के पश्चात इस से ही अकबर के शासनकाल में बिहार और बंगाल के सूबेदार मानसी ने यहां से शासन सत्ता चलाई है। बिहार के पुलिस थाने, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज सहित सभी सरकारी भवनों पर फहरेगा तिरंगा झंडा। बिहार में 8 से 15 अगस्त तक आजादी के अमृत महोत्सव के जरिए हर घर झंडा अभियान मनाया जाएगा। बता दें कि इसके तहत अस्पताल, पुलिस थाना, स्कूल, कॉलेज और सभी सरकारी दफ्तर के पर भवनों पर तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। तो वहीं हाल ही में हुए अंतर विभागीय समिति की बैठक के बाद इसका एक्शन प्लान तैयार किया गया है। इस कार्य योजना के मुताबिक हर घर झंडा कार्यक्रम के लिए सहकारिता विभाग के बुनकर लगभग 8,000, वहीं जीविका की दीदियों की मदद से 12,000 झंडों का निर्माण कराया जाना है। तो वहीं इन झंडों का वितरण सभी सरकारी विभागों को देने का निर्देश दिया गया है। बिहार में मानसून हुआ सक्रिय, अब इन इलाकों में होगी बारिश। बिहार में मानसून एक बार फिर से लौट गया है, जिसके कारण प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश से लोगों को सुकून मिला है। इधर मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में इसी तरह की अनुकूल स्थिति रही तो प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह बताया गया है कि सोमवार को प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बारिश होने की संभावना है। प्रदेश में मानसून कमजोर होने के कारण दक्षिणी भागों में सबसे बुरा असर पड़ा है। ऐसे में अब यह कहा जा रहा है कि मानसून सक्रिय होने से प्रदेश में अच्छी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे कि किसानों को इसका लाभ मिलेगा। मौसम विभाग ने यह भी बताया कि एक ट्रफ रेखा पूर्वोत्तर अरब सागर और उससे सटे तटीय इलाकों में बन रहा है, जो कि पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी की ओर फैला हुआ है, जिसके प्रभाव के कारण बिहार के कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। बिहार में पशुओं के चारे की नहीं होगी किल्लत। सूबे में बाढ़, सुखाड़ जैसे आपदाओं के कारण पशुओं के चारे में कोई किल्लत नहीं होगी। ये बातें पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के सचिव एन सरवन कुमार ने बीते दिन कही है। उन्होंने बताया कि बाढ़, सुखाड़ जैसी आपदा की स्थिति में पशु चारा की कमी नहीं होने दी जाएगी। इसको लेकर सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया जा चुका है। आपदा की स्थिति उत्पन्न होने पर पशुओं तक चारा खरीद कर पहुंचाया जाएगा, साथ ही साथ पशु चारा के वितरण की मानक प्रणाली और दर को भी निर्धारित कर लिया गया है और इसे जिलों को भेज दिया गया है। जरूरत पड़ने पर दूसरे राज्यों से भी आवश्यकता अनुसार पशु चारे की खरीद कर उसे पशुओं तक पहुंचाया जाएगा। साइबर क्राइम से बचाने के लिए बिजली कंपनी कर रही है नई पहल। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम से सुरक्षित रखने के लिए बिजली कंपनी ने नई पहल की है। इसके लिए कंपनी ने साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर बनाने का फैसला लिया है। इस सेंटर के जरिए उपभोक्ताओं के डाटा को सुरक्षित रखा जाएगा और उसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। ये सेंटर पटना, गया समेत तमाम आईटी लोकेशन पर स्थापित होंगे। दरअसल साइबर ठग बिजली उपभोक्ताओं के नंबर पर अनजान लिंक भेजकर बिल जमा करने की बात कहते हैं।
ऐसे में बिजली कंपनी ने उपभोक्ताओं को अनजान लिंक के माध्यम से भुगतान करने से बचने की सलाह दी है। कंपनी ने कहा है कि बिजली विभाग की अधिकृत वेबसाइट NBPDCL और SBPDCL के अलावे बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप और बिहार बिजली बिल पे ऐप पर ही भुगतान करें। मशरूम उत्पादन के मामले में बिहार बना नंबर वन। बिहार के किसान पारंपरिक खेती को छोड़कर नए नए प्रयोग कर रहे हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि यहां के किसान बड़ी संख्या में मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं। यही वजह है कि मशरूम के उत्पादन में बिहार नंबर वन हो गया है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बिहार में 2021-22 में 28,000 टन से अधिक मशरूम का उत्पादन हुआ है, जबकि दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर ओडिशा रहा है। बताते चले कि बिहार के मशरूम की मांग पूर्वोत्तर के राज्यों में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी यहाँ की मशरूम की मांग है। आपको बता दें कि मशरूम की खेती कर किसान लाखों की कमाई कर रहे हैं। तो वहीं इतना ही नहीं, बिहार सरकार भी 50% सब्सिडी देती है। अब घर बैठे पढ़ सकते हैं बिहार म्यूजियम की लाइब्रेरी की किताबें। पटना में स्थित बिहार म्यूजियम में बने स्टडी सेंटर में रखी किताबों को विद्यार्थी घर बैठे भी पढ़ सकते हैं। इसके लिए ई लाइब्रेरी के तहत यूजी, पीजी और एमफिल के विद्यार्थियों के लिए मेंबरशिप कार्ड की सुविधा दी गई है। आपको बता दें कि इच्छुक छात्र छात्रा को अलग अलग कक्षा के मुताबिक एक साल के लिए लाइब्रेरी की मेंबरशिप लेने के लिए 200 से 500 रुपए शुल्क जमा करने पड़ेंगे। यूजी के छात्रों को मेंबरशिप के लिए 200 रुपए, पीजी के छात्रों को 300 रुपए और और रिसर्च वर्क करने वाले विद्यार्थियों को 500 रुपए शुल्क देना होगा। इच्छुक विद्यार्थी बिहार म्यूजियम LIB@gmail.com पर ईमेल कर लाइब्रेरी की मेंबरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। विभाग की उदासीन रवैये के कारण प्रमोशन से वंचित हो रहे हैं सरकारी कर्मी। बिहार सरकार में काम कर रहे सरकारी कर्मी विभाग की उदासीनता के शिकार बन रहे हैं, जिस कारण से उन्हें वेतन भत्ते में वृद्धि के साथ ही प्रमोशन से वंचित हो जाना पड़ रहा है। दरअसल केंद्र की तर्ज पर ही बिहार में ग्रुप ए से लेकर डी तक के सभी सरकारी कर्मियों को साल 2010 से ही MACP लागू करके वेतन भत्ते में वृद्धि और प्रमोशन का लाभ पूरे सेवा काल में 3 बार दिया जाता है। लेकिन बिहार के सामान्य प्रशासन विभाग का इस बारे में कहना है कि प्रशासनिक विभागों और कार्यालयों से बिहार सचिवालय सेवा के कर्मियों के वित्तीय उन्नयन का प्रस्ताव समय पर नहीं मिल रहा है और प्रस्ताव न मिलने के कारण ही ये कर्मी इस सुविधा से वंचित हो रहे हैं। इसके लिए सामान्य प्रशासन ने पत्र लिखकर सभी विभागों को प्रस्ताव का प्रारूप भेजा है, जिसे पूरा करने का आग्रह भी किया है। मुजफ्फरपुर स्टेशन का नया लुक रेलवे ने किया जारी। सोनपुर रेल मंडल का मुजफ्फरपुर जंक्शन आने वाले समय में चमकने वाला है और इसे फिर से चमकाने में 400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसे वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने की प्रस्तावना है। तो वहीं प्रस्तावित रेलवे स्टेशन के नए लुक की तस्वीर रेल मंत्रालय ने जारी कर दी है। आप भी तस्वीर देख सकते हैं, कुछ ऐसा होगा बिहार के मुजफ्फरपुर का रेलवे स्टेशन। भारतीय रेलवे ने यह तस्वीरें साझा करते हुए जानकारी दी है कि मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के मेक ओवर का प्लान तैयार है। मेक ओवर होने के स्टेशन का लुक कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। मुकेश सहनी ने दिल्ली में लालू यादव से की मुलाकात। राजद के साथ कभी बेरुखी दिखाने वाले मुकेश सहनी अब राजद से ही नजदीकियां बढ़ाते दिख रहे हैं। दरअसल बीते दिन मुकेश सहनी दिल्ली एम्स में राजद सुप्रीमो का हालचाल जानने पहुंचे। इस मुलाकात की तस्वीरें भी सोशल मीडिया के जरिए सामने आई है। आपको बता दें कि लालू यादव दिल्ली एम्स में नासाज तबीयत को लेकर इलाजरत हैं। उनसे मिलने के लिए वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति भी मुकेश सहनी के साथ पहुंचे। हालांकि दोनों नेताओं के बीच भविष्य की राजनीति को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन माना जा रहा है कि राजद के साथ मुकेश सहनी नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। सुशील मोदी ने राजद कांग्रेस से की द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की अपील। कल यानी कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू जबकि विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा के बीच चुनाव होना है। इससे पहले बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने सभी विपक्षी दलों के सांसदों व विधायकों से एक खास अपील की है। उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू को समर्थन कर उन्हें पहली आदिवासी राष्ट्रपति होने का गौरव प्रदान करें। मुर्मू आज के ओडिशा राज्य से हैं और झारखंड के राज्यपाल रह चुकी हैं, जबकि ये दोनों ही राज्य कभी बिहार का हिस्सा हुआ करते थे। मोदी ने कहा कि एनडीए के बाहर के दलों ने जिस तरह से मुर्मू को समर्थन देने की घोषणा की है, उससे उनकी शानदार जीत तो तय है। ऐसे में राजद कांग्रेस के विधायक भी जीतने वाले प्रत्याशी का साथ दें।
बिहार कांग्रेस ने किया 21 जुलाई को विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान। बिहार कांग्रेस आगामी 21 और 22 जुलाई को केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन करने वाला है, जिसका ऐलान बीते दिन बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने पटना में एक मीटिंग के बाद किया। इस मीटिंग में कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण शामिल थे। दरअसल यह विरोध प्रदर्शन सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बार बार ईडी की पूछताछ होने को लेकर किया जा रहा है, जिससे पार्टी खासा नाराज है। पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा जानबूझकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। तो वहीं इस मुद्दे पर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर ऐसा हो रहा है। केंद्रीय एजेंसियों का कांग्रेस नेताओं के खिलाफ दुरुपयोग किया जा रहा है, इसके खिलाफ कांग्रेस डटकर मुकाबला करेगी। पुष्पम प्रिया ने सीएम नीतीश पर किया ट्वीट अटैक। बिहार विधानसभा चुनाव से राजनीति की दुनिया में कदम रखने वाली प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार पर ट्वीट अटैक किया है। अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर बीते दिन पुष्पम ने सीएम नीतीश को उनके कार्यकाल के बचे दिनों की याद दिलाई। उन्होंने अपने ट्वीट में बीते दिन लिखा कि नीतीश कुमार की नई सरकार के 20 महीने पूरे हुए, 40 बचे, एक तिहाई समय कट गया, बाकी भी आजकल करते गुजर जाएगा। बिहार की समस्याएं यथावत हैं, क्योंकि उन्हें सुलझाने की इन सरकारों में काबिल नहीं है। जनता के धैर्य की भी यह परीक्षा है। समय आपका भी बीत रहा है, आपके बच्चों का भी। बता दें कि भले ही पुष्पम प्रिया की पार्टी को चुनाव में करारी हार मिली, लेकिन वे सोशल मीडिया के जरिए अक्सर सरकार को घेरने का काम करती रहती हैं। भारत के युवा शूटर ऐश्वर्य ने भारत को दिलाया गोल्ड। भारतीय युवा निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने दक्षिण कोरिया में अपना जलवा बिखेरा। शनिवार को IISSF निशानेबाजी विश्व कप की 50 मीटर थ्री पोजिशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। आपको बता दें कि इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत से उनके अलावा 30 शूटर्स भी मैदान में थे। तोमर ने हंगरी के जिलान पेकलर को 16-12 से पछाड़कर पोडियम में शीर्ष स्थान पर कब्जा किया। तो वहीं इस विश्व कप में भारत का चौथा स्वर्ण पदक है। अभी तक भारत ने 4 स्वर्ण पदकों के अलावे 4 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज है। आज के दिन साल 1489 में निजाम खान को सिकंदर शाह लोदी द्वितीय के नाम से दिल्ली का सुल्तान घोषित किया गया था। आज के दिन साल 1948 में भारत में महिलाओं को भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा समेत सभी सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती होने की पात्रता मिली थी। आज के दिन साल 1950 में पंजाब के पठानकोट शहर के पास भारत की पहली यात्री विमान दुर्घटना हुई थी। आज के दिन साल 1943 में परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का जन्म हुआ था। साल 2005 में आज के दिन भारतीय रिजर्व बैंक के 14वें गवर्नर IG पटेल का निधन हुआ था। साल 2018 में आज के दिन हिंदी सिने जगत की जानी मानी अभिनेत्री रीता भादुरी का निधन हुआ था। मैनचेस्टर में आज इंग्लैंड के साथ होगा करो या मरो का मुकाबला। भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का अंतिम और फाइनल मुकाबला आज खेला जाना है। वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मैच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रेफर्ड में खेला जाएगा। यह इंग्लैंड दौरे पर खेले जाने वाला आखिरी मुकाबला भी है। इसके बाद भारतीय टीम वेस्ट इंडीज का दौरा करेगी, जहां पर 3 वनडे और 5 T20 मुकाबले खेले जाएंगे। इंग्लैंड के खिलाफ होने वाला यह मैच एक कांटे की टक्कर होगी, क्योंकि दोनों ही टीम इस मैच को जीतकर सीरीज जीतने के इरादे से मैदान में उतरे की। बात सीरीज की करें तो पहला वनडे भारत ने 10 विकेटों से जीता, लेकिन दूसरे वनडे में इंग्लैंड ने भारतीय टीम को 100 रनों से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर कर लिया, और अब दोनों ही टीम तीसरे और निर्णायक मैच में भिड़ेंगे। गूगल ने वीडियो कॉलिंग ऐप मीट के लिए दिए आसान टिप्स। यूजर्स गूगल मीट का और भी बेहतर ढंग से अधिक उपयोग कर सके, इसके लिए गूगल ने कुछ आसान से टिप्स सुझाए हैं, जिसे बेहतर ढंग से वीडियो कॉल हो सके। इसे लेकर जी सूट के ग्रुप प्रोडक्ट मैनेजर समीर प्रधान ने बताया कि सबसे पहले अपना बैकग्राउंड चुने, उसके बाद किसी ऐसे स्थान का चयन करें जहां आपका ध्यान इधर उधर ज्यादा ना भटके और यह आपके व्यक्तित्व व मूड से भी मेल खाए। साथ ही कहा कि आने वाले महीनों में हम कुछ ऐसा पेश करेंगे जिससे आप अपने बैकग्राउंड को ब्लर कर उसके स्थान पर अपने पसंदीदा किसी तस्वीर का चुनाव कर सकते हैं। बिहार में मिले कोविड-19 के 350 से ज्यादा मामले। बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 388 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 2641 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 5, अरवल में 1, औरंगाबाद में 8, बांका में 7, बेगूसराय में 7, भागलपुर में 22, भोजपुर में 2, दरभंगा में 4, पूर्वी चंपारण में 1, गया में 21, गोपालगंज में 2, जमुई में 2, जहानाबाद में 12, खगड़िया में 22, किशनगंज में 1,
लखीसराय में 1, मधेपुरा में 4, मधुबनी में 2, मुंगेर में 11, मुजफ्फरपुर में 24, नालंदा में 5, पटना में 130, पूर्णिया में 28, रोहतास में 5, सहरसा में 14, समस्तीपुर में 6, सारण में 9, शेखपुरा में 2, सीतामढ़ी में 1, सीवान में 4, सुपौल में 14, वैशाली में 5, पश्चिम चंपारण में 2 मामले की पुष्टि हुई है। इसके अलावा 4 ऐसे मरीजों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है जो दूसरे राज्य के हैं, लेकिन उनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 135,150 सैंपलों की जांच की गई। इस दौरान 386 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स ने सही जवाब दिया है उनके नाम है कुंदन कुमार, अमित कुमार पासवान, एनके गांधी, दिनेश कुमार, रवि रंजन कुमार, श्याम नंदन चौधरी, पुरेंद्र सहाय, मुक्तांचल मौर्य, रंजीत मिश्रा, चंदन कुमार, कुमार कौशल सिंह, लवकुश गुप्ता, पवन सिंह, विनय कुमार, मंटू मौर्य, मोहम्मद गोल्डन, रविशंकर, गौतम कुमार, कमला अग्रवाल। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब यूं ही कमेंट में देते रहें, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार आज होने वाले भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज के निर्णायक मुकाबले में किस टीम का पलड़ा भारी रहेगा। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। साथ ही बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहे बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।